दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर सबसे ज्यादा कोई भी अपने लव को लेकर सुर्खियों का हिस्सा बना होता है तो वो कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के दबंग सलमान खान का नाम इस लिस्ट में सबसे पहले ही शुमार हो जाता है। जी हाँ, क्योंकि इन्हें प्यार में इतनी बार धोखे मिल चुके हैं कि इनको समझ ही नहीं आता कि ये किस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाए और किसको नहीं, क्योंकि आज तक इन्होंने जितनी ही लड़कियों के ऊपर अपना दिल हारा वो किसी और की अमानत बन गई। तो आज इस वीडियो में हम आपको भाईजान की कुछ ऐसी ही गर्लफ्रेंड से रूबरू करवाएंगे जो कि सलमान को छोड़कर चली गई और वो बन गई किसी और की अमानत। तो चलिए बिना देर किए वीडियोस को शुरू करते हैं और जानते हैं उन्हीं अभिनेत्रियों के बारे में। नंबर 1, ऐश्वर्या राय बच्चन। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम दिल दे चुके मूवी में काम करने के दौरान ये दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे और ये दोनों एक दूसरे के प्यार में भी पड़ गए थे। तो वहीं पर जब सलमान ने ऐश्वर्या को अपने प्यार का इजहार किया तो ऐश्वर्या ने भी खुशी खुशी इनके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो भी सलमान से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तो वहीं सलमान ने इनके ऊपर अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश की और इन्हें फिल्मों में काम न करने के लिए कहने लगे और इनके साथ हाथापाई भी करते थे, जिसके चलते ऐश्वर्या राय तंग आकर इन्हें छोड़कर अभिषेक बच्चन के पास चली गई और वो उनसे शादी कर आज अपनी खुशहाल जिंदगी बिता रही है। नंबर 2, कैटरीना कैफ। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टाइगर जिंदा है, टाइगर 3 जैसी कई फिल्मों में एक साथ काम कर मशहूर हुई अभिनेत्री कैटरीना कैफ भी इस लिस्ट में अपना नाम शुमार करवाती हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि सलमान तो इनके प्यार में इस कदर पागल हो गए थे कि ये इनसे शादी करने के लिए मरे जा रहे थे, लेकिन कैटरीना कैफ को सलमान खान की कुछ बातें पसंद नहीं थी और वो सलमान खान की कुछ हरकतों को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसीलिए उन्होंने सलमान को छोड़ना ही सही समझा और सलमान को छोड़कर विक्की कौशल के पीछे चली गई और विक्की से शादी कर आज ये अपनी मैरिड लाइफ में व्यस्त है और खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं और वो बन गई हैं अब दूसरे की अमानत। नंबर 3, सोनाक्षी सिन्हा। दबंग मूवी में काम कर मशहूर हुई अभिनेत्री सोनाक्षी का नाम भी इस लिस्ट की सबसे लास्ट कड़ी में शुमार होती है। जी हाँ, आपको बता दें कि जहाँ पर खबरें आ रही थी कि सोनाक्षी इनसे शादी करने वाली है, लेकिन आपको बता दें कि सोनाक्षी ने भी इन्हें प्यार में धोखा दे दिया है और जावेद इकबाल से अपनी सगाई कर सभी बॉलीवुड इंडस्ट्री को और अपने दर्शकों को हैरान कर दिया है। तो इस तरीके से सलमान खान को तीनों बार प्यार में धोखा मिला और तीनों एक्ट्रेस इनसे अपना हाथ छुड़ाकर दूसरे की अमानत बन गई हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि सलमान के साथ इन एक्ट्रेस ने सही किया या फिर गलत? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी रोजाना वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।